कुछ हो जाए थोड़ा। अरे धूप है इधर। This news is brought to you by Max Group of Schools। भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू का प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन को एडीएम अश्विनी कुमार के माध्यम से ज्ञापन पत्र सौंपकर मांग की है कि जो फल और सब्जियों की गाड़ियां ब्यास में फेंकी जा रही हैं, ऐसी सूरत में प्रशासन और सरकार तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाए। किसानों और बागवानों को इस पीक सीजन में जो फसलें हैं उन्हें समय रहते मार्ग बहाल करके राहत प्रदान की जाए। वहीं दूसरी ओर जो इस सीजन में बागवान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी उच्च मुआवजा दिया जाए। जिला अध्यक्ष ऋषिराज ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की है। स्टार्ट सर। ऋषिराज, भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू। आज भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू डीसी के माध्यम से हम आज जो कल जो घटना घटी, जो सब्जी की गाड़ियों में से सब्जी फेंकी गई और हर किसानों को इसमें जूझ रहे हैं, जो कि 10-15 दिन से जो सब्जी थी, सेब थे, फल फ्रूट थे, वो सब लगभग और से आगे खड़ी है, सब सैकड़ों में गाड़ी। तो उनके लिए कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा रही है, क्योंकि हर जगह फ्लड आ रहा है। इसलिए भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू अपने डीसी महोदय के माध्यम से निवेदन करते हैं कि जितने भी पेरिशेबल जो फ्रूट है उनको जल्दी से जल्दी गाड़ियां इमरजेंसी में आगे ले जाएं, ताकि किसानों को मूल्य मिले। नहीं तो जैसे पिछले उसमें भी ऐसा होगा कि जो पलम थे, सारे जो बागवानों के पलम वृक्ष में ही सड़ गए। तो इसके हम भारतीय किसान संघ भरपूर प्रयत्न करेगा कि इसके लिए जो भी पलम सड़े हुए हैं उनके लिए मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि जैसे ये जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है जो इस केसीसी बढ़ाया है जिन्होंने, तो हर किसान और हर बागवानों ने बनाया है। और हमारी भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू की ओर से ये निवेदन करते हैं प्रदेश गवर्नमेंट से और राष्ट्रीय गवर्नमेंट से, जो केंद्र की सरकार से, कि इसमें भी राहत दी जाए। जैसे लिमिट बढ़ाई है तो उसके या तो इंटरेस्ट माफ़ किया जाए या तो उसमें कुछ माफ़ किया जाए। ये भारतीय किसान संघ का क्या नाम निवेदन है। थैंक यू सर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से जसवीर ठाकुर की रिपोर्ट।